हंसना, जो घृणा, जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, आज ब्रह्म समाज का एक एक आदमी इस बात के लिए तैयार बैठा हुआ है कि बस हमको मौका मिल जाए, हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद करें। जिन हजारों लोगों के प्राणों की आहुति हो गई, जिन हजारों लोगों को जानबूझ करके मौत के गाल में डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में किया है, उसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग उसकी पीड़ा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है, अंधेर गर्दी चलती है पिछले 2017 से 2022 की। कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन जो हम लोगों ने बैठ करके देखा है, अनुभव किया है, इस तरह से कानून का किसी ने मखौल नहीं उड़ाया, जिस तरह से इस वर्तमान ठाकुर अजय सिंह विश्व की सरकार ने किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया गया। जो हमने कहा वही सही है, बाकी सब गलत है। नौजवानों के रोजगार के साथ इतना बड़ा गंदा खेल, गंदा मजाक किया गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जब आचार संहिता लगने के पहले इम्तिहान हुआ था TET का, पेपर, लोगों ने कहा पेपर आउट हो गया, हमने कहा पेपर तो पहले से आउट था, उनको तो एक तमाशा करना था, क्योंकि उससे सैकड़ों करोड़ का फंड सरकार के खजाने में आ जाना था, इम्तिहान के नाम पर इम्तिहान तो होने नहीं था। ये गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी, ये गैंगस्टर, सारे नाटक हुए, लेकिन पर्चा उन लोगों का फिर होने नहीं पाया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप लोग उत्तर प्रदेश में अमन चैन शांति चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में वास्तव में विकास चाहते हैं, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं, तो आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोगों को थोड़ा सा अपने मन में अपने एक दूसरे के प्रति शंका भी हो गई है, पता नहीं कौन सा वो सब सुहा दिए हैं, चीलम बुलम वाला क्या होता है, कौन सा क्या सुहा दिए हैं। कभी कभी रात में हम लोग उठते देखा, एक हम लोग राष्ट्रवाद याद आ रहा है, सब रोऊंगा काफा ऐसा। कभी कभी हम लोग राम जी के उसमें चले जाते हैं, कहते यार और कुछ हो चाहे ना हो, मंदिर हुआ जाके देख लीजिए मंदिर। आप हम लोग लगातार जा रहे हैं, मंदिर नहीं बना भाई, संसद भवन वहाँ की दीवारें ऊपर दिखाई पड़ने लगी सिरे विष्टा वाली, लेकिन आपके रामला का मंदिर नहीं बना। वहाँ लूटे शुरू हो गए, पहली बात तो राम नाम की लूट है, जो लूट सको सो लूट। तो वहाँ हमारे रुपये के पैसा सब आप लोगों ने चंदा जमा जमा कर इकट्ठा करा, हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ। अब भाई लोगों ने कहा ठीक है, कैसे इकट्ठा, कैसे पैसा खाया जाए, तो कहा चलो 2 करोड़ का अभी खरीद लो, 1 घंटे बाद 18 करोड़ का बेच लिया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें, ये सब काम करके जो लोग हम लोग के प्रभु को, हम लोग के आराध्य को, हम लोग के ईश्वर को, जो उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना हम लोग की जिम्मेदारी होती है। और कलयुग में दोनों पगड़े होने हैं। आप लोगों, जिन लोगों ने भी अपने पुराण वगैरह पढ़ रखा है, आपने देखा है, उसे पढ़ा जरूर होगा, ध्यान जाना होगा कि इस कलयुग में आपको दोनों पक्ष दिखाई पड़ जाएंगे आपके जीवन काल में। तो अगर दूसरा पक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है अपराध करता हुआ, और आप शांति से उनको देखने का काम कर रहे हैं, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी उसके पाप उतने ही भागीदार रहे जितना की बात करने वाला रहे। इसलिए मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि 2007 से 2012 के बीच में आप सबने अपने समाज को आशीर्वाद देने का काम किया था, उसका परिणाम आज मूर्छा गुरु हमारे यहाँ पर एक प्रत्यक्ष गवाह के रूप में खड़े हुए हैं। हम लोग तो बहुत संघर्ष किया साथ में, लेकिन 2012 से लेकर के फिर जो इस तरह से हमारे समाज की अवनति, हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हम लोग एक समाज विशेष को बिलोंग करते हैं, इसका हम लोगों को दोषी बनाया गया। और 12 से लेकर के 17 के बीच में तो वो कार्यक्रम चालू हो गया था, जब एक मंत्री को पीछे खड़ा कर बताया गया कि ये फलाने समाज का व्यक्ति है, ये मिनिस्टर है, लेकिन इसका काम प्रोटोकॉल देखना है। प्रोटोकॉल का काम उसको दिया जाता है, हमारे घर में सब्जी क्या बननी है, हमारे बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, हमारी मैडम शॉपिंग करने गई कि नहीं गई, पर हमारे घर की व्यवस्था वो प्रोटोकॉल में कहा जाता है। अभिषेक मिश्रा जी 5 साल तक प्रोटोकॉल मंत्री रहे समाजवादी की तरह, और वहीं से हमारे समाज के लोगों के साथ उनका, चाहे राजाराम पांडे तो आप ही के गाँव के, आप ही के जिले के रहे, उनके साथ क्या वो खाली खरीद के लिए कहे थे कि आपको ये वाला बंगला राज कर दीजिए,
और सरकारी बंगला मांगने गए थे और उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था आप सब लोगों को मालूम नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है। नीरज मिश्रा कन्नौज का लड़का था, खाली उसने नारद लगा दिया था समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, उसका गला कटवा करके आइस बॉक्स में मंगवाया गया है। अब की बात तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, पेज नंबर 36 पर अगर आप पढ़ेंगे उसका जो आया है मिनट साहब उसमें आप दिखाई पड़ जाएंगे। पवन पांडे जी के साथ क्या क्या क्रम हुआ ये आप लोगों को मालूम है। तो कुल मिलाकर के जब 12 से लेकर के 17 तक हम लोग का भरपूर अपमान समाजवादी पार्टी के द्वारा हो गया, तो 2017 के बाद से तो ठाकुर अजय सिंह मिश्र को तो पूरा लाइसेंस मिल गया। उनको लगा हम तो चाहे जो साहे जो करें। तो सबसे पहला कांड आपका ऊंचा हार का ही हुआ था, ऊंचा हार में 5 लोग काट दिए गए, मार डाले गए, और भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर ने कहा नहीं जो ठीक हुआ, बड़े 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 माफिया थे और हम लोग व्यक्तिगत वहाँ गए थे उस गाँव में। उन लोगों के यहाँ दोनों मिनट भोजन की व्यवस्था नहीं थी, दो लाख खा नहीं पाते थे, उनके यहाँ इतना टीम छपा हुआ था और नीचे से वो लिपाई हुई थी और उनको बताते थे बड़े माफिया हैं और बड़े भारी बड़े दबंग माफिया और बड़े रईस लोग हैं और घर में उनके यहाँ दोनों टाइम था। तो इस तरह से हमारे समाज के लोगों को अपमानित कर करके जो है विकास दुबे का जोड़ करके अब आज की डेट में दोनों बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अजय मिश्रा टेनी के नाम पर भी ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अरे भाई उनका लड़का अगर हत्यारा है, हत्या में दोषी है, तो काहे के लिए उसको सजा नहीं देते हो? अगर उनके मंत्री जी उनके पिताजी दोषी हैं तो उनको क्यों नहीं मंत्रिपद से हटाते हो? लेकिन नहीं, उनको बैठा करके हमारे समाज के लोगों के सामने हम ही लोग के मुँह को जो है अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग शादी देख रहे भाई क्या करें। अजय मिश्रा टेनी ने खुलेआम गरीबों को चैलेंज किया, लखीमपुर लोगों को चैलेंज किया कि मैं विधायक बाद में हूँ, मैं सांसद बाद में, मैं उसके पहले मैं मतलब उनका इशारा ही था मैं बहुत बड़ा अपराधी में गुंडा हूँ और न गुंडा राज न भ्रष्टाचार ये नारा था अमित शाह साहब का 2014 में देखा होगा आप लोगों ने। तो भ्रष्टाचारों भर गया और गुंडा राजो भर गया और हम सब लोग रामराज की बात करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ही विनती करने आया हूँ क्योंकि अभी लखनऊ पहुँचा था 9 बजे, मैंने अपने भाई से निवेदन भी किया था। तो ये कहना चाहता हूँ आज मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, मेरा मन बहुत है लेकिन आज माफ़ कर दीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ 2-4 दिन में। तो ये कहता हूँ कि भाई सुशील जी बहुत नौजवान है और आप लोगों की सेवा करने का इनके अंदर जज्बा है, आप लोगों के साथ ये पूरे क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं और एक मौका तो मिल सकता है कि नहीं दादा लोग? नौजवान ठीक है ना, एडवोकेट भी है और साहसी भी है काफी, हम देख रहे हैं। और जिस तरह से इनके अंदर मैं देख रहा हूँ जो ऊर्जा है, आप सभी भारत को आशीर्वाद जरूर से दीजिए, यही मेरी प्रार्थना, यही निवेदन करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।